नताशा ने कई हिट फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में जहां वो अपनी बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती हैं, वहीं उनके अफेयर्स के किस्से भी कम नहीं हैं। 6 लोगों से अफेयर के बाद बिपाशा ने 4 साल छोटे एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की। वैसे बिपाशा से पहले करण सिंह ग्रोवर भी 2 एक्ट्रेसेस से शादी कर चुके थे। चलिए हम आपको बिपाशा के अफेयर्स के बारे में बताते हैं। मिलिंद सोमन बिपाशा बसु के पहले बॉयफ्रेंड मिलिंद सोमन थे। ये जानकर हैरानगी होगी कि बिपाशा मिलिंद को मॉडलिंग के दिनों से डेट कर चुकी हैं, लेकिन जल्द ही ये कपल अलग हो गया था। डीनो मौर्या मिलिंद के बाद बिपाशा फिल्म राज में उनके को स्टार रहे डीनो मौर्या के टच में आई। दोनों का रिलेशनशिप बी टाउन में काफी चर्चा में भी रहा था। 2002 में ये कपल भी अलग हो गया था। जॉन अब्राहम डीनो के बाद बिपाशा एक्टर जॉन अब्राहम के साथ रिलेशनशिप में आई। दोनों 9 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इनके अलग होने की कोई ठोस वजह भी सामने नहीं आई थी, लेकिन कहा जाता है कि बिपाशा रिलेशन को शादी में बदलने का दबाव बना रही थी, जबकि उस वक्त जॉन ऐसा नहीं चाहते थे। राणा दगुबत्ती बाहुबली से चर्चा में आए साउथ एक्टर राणा दगुबत्ती और बिपाशा ने साथ में 2011 में दम मारो दम फिल्म की थी। इसी फिल्म के सेट पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। सैफ अली खान राणा दगुबत्ती के बाद सैफ से भी बिपाशा का नाम जुड़ा। फिल्म रेस 2 की शूटिंग के दौरान दोनों के लिंकअप की खबरें सामने आई थी। तब सैफ अमृता से तलाक होने के बाद अनमैरिड थे। हालांकि अक्टूबर 2012 में उन्होंने करीना से दूसरी शादी कर ली और ये खबरें इसी के साथ थम गईं। हरमन बवेजा बिपाशा ने अपना 6वां अफेयर एक्टर हरमन बवेजा के साथ कंफर्म किया, लेकिन महज 6 महीने के बाद ही ये कपल अलग हो गया। बिपाशा से पहले करण 2 बार शादी कर चुके हैं और दोनों ही बार उनका तलाक हुआ। उनकी पहली पत्नी श्रद्धा निगम और दूसरी पत्नी जेनिफर विंगेट रही हैं। बिपाशा की करण से मुलाकात फिल्म अलोन के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी और इस कपल के डेटिंग की खबरें आने लगी। करीब 1 साल डेटिंग के बाद बिपाशा ने करण से बंगाली रीति रिवाज से 30 अप्रैल 2016 को शादी कर ली। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।